हेलो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट होम साइंस चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2018 में जो अभी हाल में ही पेपर हुआ है 8 जुलाई का, ये उसकी आंसर की है। आज मैं 1 से 10 क्वेश्चन का सेट लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने सही मिलान वाले जो क्वेश्चन थे उसके आंसर की मैंने अपलोड की है, आप उसे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फॉरेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है। पहला ऑप्शन है 7% बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है 7% घटना, तीसरा ऑप्शन है 5% बढ़ना, चौथा ऑप्शन है 5% घटना। इसमें आपका सही आंसर पहला ऑप्शन है, ज्वर की अवस्था में जो शारीरिक तापमान होता है वो 7% इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है 32 मिलीग्राम प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 27 मिलीग्राम प्रतिदिन, तीसरा ऑप्शन है 35 मिलीग्राम और चौथा ऑप्शन है 28 मिलीग्राम। तो इसमें आपका सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन है 27 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNC 7 के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर क्या है? तो पहला है SBP 120 से कम, DBP 80 से कम, दूसरा है SBP 140 से अधिक, DBP 80 से अधिक, तीसरा है SBP 120 से अधिक और DBP 90 से अधिक, चौथा है SBP 120 से अधिक, DBP 80 से अधिक। इसमें आपका सही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से अधिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी 80 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहीं भी बहुत अच्छे से मिल नहीं रहा है, जहाँ से एकदम क्लियर हो जाए कि इसका क्या होगा। फिर भी UGC क्या मानता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें पहला होना चाहिए, स्वीकृति और समर्थन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म मोटर क्रिया, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, चौथा ऑप्शन है अच्छा प्रबंधन कौशल। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें पहला ऑप्शन है सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है, दूसरा है भावनात्मक सुस्थिरता का अभाव है, तीसरा है विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, चौथा है उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान होगा। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है? ए ऑप्शन है दबका, बी ऑप्शन है मेंथी, थर्ड ऑप्शन है फंदा और फोर्थ ऑप्शन है मुर्री। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो दबका है, इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं पुरुष परिधानों में बेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आम तौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाके का प्रयोग में लाया जाता है? तो पहला है वर्ग 100, दूसरा है वर्ग 200, तीसरा है वर्ग 400, चौथा है वर्ग 500। तो इसमें आपका सही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है, वर्ग 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है? पहला स्कॉलर चेन, दूसरा इक्विटी टू गेन, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, चौथा है स्पिरिट डी कॉर्पस। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, स्पिरिट डी कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है पारिस्थितिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग, तीसरा ऑप्शन है स्वचालीकरण, चौथा ऑप्शन श्रम दक्षता शास्त्र। तो इसमें आपका सही आंसर चौथा ऑप्शन है, श्रम दक्षता शास्त्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।